व्यवहार। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उपयोगिता के बारे में, और सेकंड हमने इससे पहले हमने पढ़ा था पर अर्थशास्त्र का परिचय। ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उपभोक्ता का व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसके अंदर, इजीली हम समझ जाते हैं। इस टॉपिक को हम भी दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, एक इस वीडियो में और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग इसकी होती है छोटी छोटी कुछ स्टेप, इसमें से छोटी छोटी डेफिनेशन से आती है, तो डेफिनेशन से इनकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है बंडल की। बंडल, दो वस्तुओं के संयोग को बंडल कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आर कॉल्ड बंडल। जैसे कि दो पांच, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, पहली वस्तु की दूसरी का दो इकाई, दूसरी वस्तु की पांच इकाई, तीन एक, दो दो, ये सारे बंडल हैं, तीन पांच, चार एक, जीरो दो, पांच दस, ये भी वस्तुओं के से। तो दो वस्तुओं के संयोग को बंडल कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आर कॉल्ड बंडल। सिंपल से डेफिनेशन है, दो वस्तुओं के संयोग को बंडल कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आर कॉल्ड बंडल। जैसे कि हमें अगर याद हो तो हमने उत्पादन पीपीसी, उत्पादन संभावना सेट के अंदर, सेट की तौर पर डेफिनेशन में सेम थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो वस्तुओं के संयोग, यानी कि बंडल भी हुई है, दो वस्तुओं के संयोग को बंडल कहते हैं। अब अगला आता है बजट सेट। बजट सेट, दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय और दी हुई की वस्तु की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है, उसे हम बजट सेट कहते हैं। ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेज इन हिज लिमिटेड इनकम एट गिवन प्राइस ऑफ गुड्स। मान लो आप लोगों के पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, आपको दो चीजें खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट या आइसक्रीम, ऐसे कुछ करके दो कोई भी आइटम ले लीजिए, वो दो चीजें आपको खरीदनी है, दोनों की कीमत 5-5 रुपए है, बोथ प्राइस आर 5 रुपीज एंड यू हैव 20 रुपीज। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में वे सारे कॉम्बिनेशन हम देखेंगे जो इस समय बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, जिन्हें कंज्यूमर खरीद सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे कि इनमें से ले लेते हैं कुछ, तो एक तो देखो बेटा, 5 × 10 = 25, 25 और 10 होते हैं 35 रुपए, लेकिन हमारे पास 20 रुपए, यानी इसको तो नहीं खरीद सकते। दूसरा 3 × 1 = 15, 5 × 5 = 15 और 5 = 20 रुपए, हम 20 रुपए हमारे पास हैं, यानी कि हम इसको खरीद सकते हैं। समझ में आ रही है, ये ब्रैकेट के अंदर पहले तो पहली वस्तु की इकाई दे रखी है, दूसरे में दूसरी वस्तु की इकाई दे रखी है, फर्स्ट गुड क्वांटिटी सेकंड गुड्स क्वांटिटी दे रखी है, तो हमने उसकी प्राइस को इनटू किया, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 1 = 5, तो 15 और 5 होते हैं 20। उसी तरीके से दो दो वाला देखते हैं, तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 20 रुपए हो गए। ऐसे ही इसको भी खरीद लिया हमने, क्या इसे खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 × 25 = 5 × 50, 25 और 50 होते हैं 75 रुपए, और हमारे पास 20 रुपए ही है, नहीं खरीद सकते, इसे भी नहीं खरीद सकते, इसे भी नहीं खरीद सकते, इसे खरीद सकते हैं। तो बजट सेट की डेफिनेशन क्या हुई, दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध सीमित आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है, उन्हें हम बजट सेट कहते हैं। अर्थात यहां पर लिखा हुआ 3 × 1, 2 × 2 और
जीरो दो, ये तीन वो कॉम्बिनेशंस हैं या फिर यूं कहें तीन वो बंडल हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय वस्तु की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। अतः ये तीनों बंडल तो हैं क्योंकि दो वस्तुओं के संयोग है, लेकिन साथ ही साथ ये बजट सेट भी है क्योंकि अपनी सीमित आय में जिन दो वस्तुओं के संयोग को उपभोक्ता खरीद सकता है उसे हम बजट सेट कहते हैं। ठीक है, तो लो डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास बंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आर कॉल्ड बंडल, दो वस्तुओं के संयोग को बंडल कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास बजट सेट, the all combinations of two goods which an economist sorry the all combinations of two goods which a consumer can purchase in his limited income at given price of goods, yani ki do vastuon ke ve sabhi sahyog jinhe upbhokta apni simit aay vastuon ke di hui kimat par khareed sakta hai use hum budget set kahenge। Do definitions hoti hain। अब तीसरे डेफिनेशन की ओर चलते हैं, वो है बजट रेखा, बजट लाइन। बजट रेखा या बजट लाइन क्या है? एक ऐसा डायग्राम बनता है, मैं सीधे डायग्राम से बता दूं आपको, एक ऐसा डायग्राम बनता है, सीधी लाइन होती है, मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई। इधर आप पहली कोई वस्तु ले लेते हैं, इधर आप दूसरी वस्तु ले लेते हैं। तो बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाए, यानी पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाता हो उसे हम बजट सेट करेंगे। जैसे कि हम इसमें देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिस पर आकर वो कंज्यूमर के पूरा पैसा खर्च हो जाता है, देखते हैं। मान लीजिए आप अपने पूरे 20 रुपए इस पहली वाली कॉमोडिटी को खरीदने में खर्च करेंगे तो इसकी मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं? 4। तो दूसरे वाले की तो नहीं ली, तो दूसरे वाले की क्वांटिटी हो गई 0। जब आपने अपने पूरे 20 रुपए पहली वाली पर खर्च कर दिए जिसकी कीमत है 5 रुपए, तो 5 × 20 4 क्वांटिटी हो गई, दूसरे वाले की ले नहीं सकते क्योंकि पूरा पैसा पहले वाले पर खर्च हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ऐड करते जाना है हर बार जब तक कि ये 0 ना हो जाए, इससे आपके वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है इसमें एक ऐड तो करना है ठीक है, लेकिन इसमें से माइनस कितना करें? पॉइंट क्या है, कितना हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन पुट अप होता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रेट। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने इस तरह की रेट के बारे में पढ़ा था हमारे उस पीपीसी वाले टॉपिक के अंदर, वहां पर इसका नाम क्या था, सीमांत अवसर लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। वो तो उस चैप्टर में था लेकिन अब उसका नाम इस चैप्टर में आके चेंज हो चुका है। डेफिनेशन हुई है, नाम चेंज हो चुका है, नाम क्या है अब, सब्स्टिट्यूशन रेट यानी कि प्रतिस्थापन दर। सब्स्टिट्यूशन रेट प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इट इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कॉमोडिटी फॉर गेनिंग एन एडिशनल वन ऑफ अदर वन, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अदर वन। तो अब क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कितना माइनस करें। इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, समझेंगे हम इसको कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, हमें ये तो पता होगा जैसे कि यहाँ पर है, हमें ये तो पता है कि कौन सी वाली का सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कौन सी वाली को प्राप्त कर रहे हैं, यानी पहली का सैक्रिफाइस कर रहे हैं या सेकंड वन का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पहली का त्याग कर रहे हैं या दूसरी का त्याग कर रहे हैं, और हमें ये भी पता होगा कि दूसरी वाली को प्राप्त कर रहे हैं या पहली वाली को प्राप्त कर रहे हैं। एक का त्याग होगा तो दूसरे की प्राप्ति होगी, एक का सैक्रिफाइस होगा तो दूसरे का गेन होगा। अब यहाँ पर क्या है, पहली वाली का सैक्रिफाइस हो रहा है, दूसरी वाली को हम प्राप्त कर रहे हैं,
तो जिसका भी सैक्रिफाइस होता है माइनस डेल्टा एक्स वन, फर्स्ट का सैक्रिफाइस है इस वजह से, प्लस डेल्टा एक्स टू। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जब ये इस तरीके का निकालना हो, लेकिन क्वेश्चन तो ये माइनस कितना करें, इसके लिए क्या होता है बेटा इसका अपोजिट, x2 नीचे आया तो x2 की कीमत ऊपर आ जाएगी, x1 ऊपर आया तो x1 की कीमत नीचे आ जाएगी। यानी कि देखा जाए तो वस्तुओं के संदर्भ में तो माइनस अपॉन प्लस होता है और कीमत के संदर्भ में प्लस अपॉन माइनस, ही माइनस अपॉन प्लस और प्लस माइनस, प्लस अपॉन माइनस का क्या फील मैंने बताया, जिसको आप त्याग कर रहे हैं, वस्तुओं के संदर्भ में बता रहा हूं, जिसको आप त्याग कर रहे हैं वो तो ऊपर और जिसको आप प्राप्त कर रहे हैं वो नीचे। और जब उल्टा हो जाता है कीमत के टाइम पर कि प्राप्ति वाले की कीमत तो ऊपर और सैक्रिफाइस वाले की कीमत नीचे, उल्टा ले लेते हैं, मान लो बेटा ये होता पांच और दस और इसकी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेनी होती और क्वेश्चन आता कि इसमें से कितना सैक्रिफाइस करें, हमारे सामने पांच और दस वाला कॉम्बिनेशन होता है, इसकी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी और इसमें से कितना सैक्रिफाइस करें ये वाला क्वेश्चन आता, तो इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज हो जाता, फॉर्मूला अब क्या होता माइनस अपॉन प्लस, माइनस डेल्टा सेकेंड वाले का सैक्रिफाइस कर रहे एक्स टू अपॉन प्लस डेल्टा एक्स वन, और कीमत के टाइम पर उल्टा तो पी वन अपॉन पी टू, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन क्या थी प्रतिस्थापन दर की, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाएगा उसे हम प्रतिस्थापन दर कहेंगे। अब क्वेश्चन था हमारे सामने कि भाई इसकी एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेनी है, कौन से वाले की, दूसरे वाले की, डी वाले की, ये ए है और ये बी है, तो बी की एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेनी है तो ए में, ए की में से कितना सैक्रिफाइस, कितना त्याग करना है, ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने। तो सैक्रिफाइस कितना करना है, इसके लिए इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट वाले का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो पी टू अपॉन पी वन या फिर पी वाई जो भी है, पी वन अपॉन पी टू ले लो, चलो पी वन अपॉन पी टू यानी सेकेंड वाला, तो पांच ये वाला पी टू अपॉन पांच पी वन, पांच अपॉन पांच बराबर होता है एक, तो यहां लिख देंगे एक, अपना क्या बन गया तीन और एक का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इसमें एक ऐड करना है, फिर इसमें से माइनस कितना करना है, वही क्वेश्चन आ गया, तो वही फॉर्मूला पी टू अपॉन पी वन, तो हर बार एक एक का सैक्रिफाइस होगा और क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे सामने, कॉम्बिनेशन हमारे सामने बनकर आएंगे बेटा चार जीरो तो एक बन गया, तीन एक बन गया, फिर दो दो, फिर बनेगा एक तीन, फिर बनेगा जीरो चार, ऐसे करके ये पांच कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ जाते हैं। अगर इन पांचों को ग्राफ पेपर पर शो करें तो एक ऐसी सीधी लाइन बनती है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से ये सीधी लाइन बन जाती है, यही बजट रेखा है। और बजट रेखा का समीकरण पूछ ले, पहले तो बजट सेट का ही समीकरण पूछ ले कि बजट सेट का समीकरण बताओ, तो बजट सेट का समीकरण क्या हुआ, बजट सेट का समीकरण ये रहा P1 X1 प्लस P2 X2, या तो बराबर हो सकता है किसके, M के, M क्या है यहाँ पर देखो, P1 क्या है पहली वस्तु की कीमत, X1 क्या है पहली वस्तु की मात्रा, P2 क्या है दूसरी वस्तु की कीमत, X2 क्या है दूसरी वस्तु की मात्रा, जैसे कि इसके या किसी के आधार पर लो चार एक ले लेते हैं और दो दो के आधार पर ले लेते हैं, आप पर वही 20 रुपए हैं, तो P1 पांच रुपए गुणा चार प्लस ये ब्रैकेट में डाला, P2 कितना भाई P2 भी पांच था गुणा एक, तो एक लिख दिया ये ब्रैकेट में डाला, बराबर होता है क्या नहीं होता एम के चेकिंग होता है, तो पांच चौका बीस प्लस पांच बराबर पच्चीस होता है, एम के बराबर नहीं हो रहा, जबकि दूसरी तरफ दो दो वाले को उठाएं तो पी वन कितना था वही पांच रुपए गुणा दो प्लस पी टू कितना था वही पांच रुपए गुणा, इस वाले कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ठीक है,
ये कितना था दो, तो पांच दूनी दस, पांच दूनी दस बराबर एम हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये या तो एम के बराबर हो या फिर एम से छोटा हो, एम से छोटा। जैसे कि ये जीरो दो वाला कॉम्बिनेशन ले लो, जीरो दो वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, पी वन कितना वही पांच रुपए गुणा जीरो प्लस पी टू कितना वही पांच रुपए गुणा दो, तो पांच जीरो पांच दूनी दस और बीस रुपए हमारे पास है, तो या तो बराबर हो जाना चाहिए या फिर उससे कम। तो वजन रेखा का समीकरण क्या हो जाता है, वजन रेखा का समीकरण ये आपके सामने लिखा हुआ है, पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इज इक्वल्स टू और लेसर देन एम, एम वो मनी। जबकि बजट लाइन का समीकरण क्या होता है, पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू बराबर एम, यानी क्योंकि बजट रेखा की तो डेफिनेशन ही वही है, बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमिताएं और दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है, यानी इस कंडीशन में उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता है, जबकि इस कंडीशन में बजट सेट की कंडीशन में कुछ पैसा बचा सकता है, ये वाली बात होती है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं कि बजट लाइन के फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है बजट रेखा की। बजट रेखा की विशेषता देखो बेटा, दो तीन विशेषताएं, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कि बजट रेखा की जो ढलान है वो कैसी है, ऋणात्मक, ढलान है ऋणात्मक। वही पुराने वाले रीजंस कि किसी वस्तु की एकत्रित इकाई लेनी है तो दूसरे वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, बीस रुपए तो फिक्स है ना, बीस रुपए ना बढ़ रहे ना घट रहे, घट सकते हैं बढ़ नहीं सकते, तो लिमिटेड आय होने की वजह से अगर उसे किसी भी कॉमोडिटी की एडिशनल क्वांटिटी चाहिए तो दूसरे वाले की कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। दूसरा मुख्य है कि ये मूल बिंदु से सीधी रेखा होती है, बजट रेखा होती है सीधी रेखा। सीधी रेखा क्यों होती है, कि जो प्रतिस्थापन दर है यानी कि सब्स्टिट्यूशन रेट जो है ना वो कांस्टेंट होती है। सबसे आपने देखा होगा कि वहां जो अभी मैं सैक्रिफाइस कर रहा था माइनस वन माइनस वन माइनस वन, हर बार एक ही तरह का सैक्रिफाइस हो रहा था, जबकि पीपीसी में, पीपीसी के टाइम पर याद करें तो पहले तो एक का सैक्रिफाइस, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, यानी सैक्रिफाइस बढ़ रहा था। यहाँ पर ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना पहले त्याग कर रहा था उतना ही अब त्याग कर रहा है, तो इस वजह से बजट रेखा सीधी रेखा होती है। और दो सिंपल से कि भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष को नहीं काटता और ये दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक हम ले लेते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन। तो शिफ्ट इन बजट लाइन देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने वही कंडीशन लिख देता हूं मैं, बीस रुपए है, पी वन आपके सामने पांच, पी टू आपके सामने वही पांच है। अब किसी एक में चेंज हो जाता है कि मान लो बीस रुपए से पच्चीस रुपए आपके पास हो जाए, तो जहां आप ये चार चार वाला कॉम्बिनेशन परचेस कर रहे थे वहीं आप कौन कौन सा कॉम्बिनेशन परचेस करने लग जाओगे, वहां पांच पांच वाला कॉम्बिनेशन परचेस करने लग जाते हैं। यानी कि कहा जाए यदि दोनों वस्तुओं की कीमतें समान रहे और उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो कंज्यूमर उपभोक्ता की बजट रेखा समानांतर दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, जबकि इसका उल्टा अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाए, कम हो जाएगी, कम कमाने लगेगा तो कम खर्चा होगा। अगर 20 रुपए की जगह आपको घर वाले 10 रुपए ही दें तो जहां पहले चार क्वांटिटी ला सकते थे अब केवल दो ही लाओगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में वो कम खरीदने लगेगा, यानी बजट रेखा बाई ओर आ जाएगी। आय बढ़ने पर बजट रेखा दाई ओर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है और आय घटने पर बजट रेखा बाई ओर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है पैरेलली समानांतर रूप से। जबकि अगर इनमें से किसी एक की प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, मान लो ये 10 रुपए की हो जाए और 20 रुपए सेम है, तो क्या होगा,
तो ये होगा बेटा, ये हमारा बना हुआ था इस तरीके से चार चार पर। तो अगर 10 रुपए की हो गई तो पहले जहां चार खरीद सकता था केवल दो ही खरीद सकता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है केवल उसी वस्तु का। अगर ये वस्तु ए है तो केवल वस्तु ए की तरफ का ही होगा, और जबकि दूसरी तरफ ये 4 रुपए की हो जाए तो पहले 4 खरीद सकता तो अब 5 खरीदने लग जाएगा, तो ये दोनों शिफ्ट हो जाता है। तो सुन लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। मैंने इसलिए थोड़ा सा रफ ले लिया है क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। सुनिए, सबसे पहले बंडल, दो वस्तुओं के संयोग को बंडल कहते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स आर कॉल्ड बंडल। दूसरी बात बजट सेट, दो वस्तुओं के वे सभी संयोग जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमितता वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है उसे हम बजट सेट कहते हैं। बजट सेट इज ए सेट व्हिच शोस ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन परचेस इन हिज लिमिटेड इनकम एट गिवन प्राइस ऑफ गुड्स। इसकी इक्वेशन होती है P1X1 + P2X2 = lesser than M। अब बात करते हैं बजट रेखा की। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिनको प्राप्त करने में उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। बजट लाइन इज ए लाइन व्हिच शोस ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, होल इनकम, पूरा पैसा खर्च करने के बाद जिन दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को प्राप्त करता है, पूरा 20 रुपए खर्च हो जाता है इस रेखा पर आकर, तो जिनको भी खरीदने के लिए वो खर्च करता है उसे हम बजट रेखा कहते हैं। अब बात आती है बेटा बजट रेखा की विशेषताएं, कि बजट रेखा में ढलान होती है ऋणात्मक, क्योंकि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ ना कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ बजट रेखा मूल बिंदु से सीधी रेखा होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि स्थिर प्रतिस्थापन दर देखने को मिलती है, कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन रेट देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन निकल कर आता है सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है, प्रतिस्थापन दर क्या है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे हम प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ए कॉमोडिटी फॉर गेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर वन। लास्ट हमने पढ़ा था शिफ्ट इन बजट लाइन, इसकी इक्वेशन एक सेकंड, P1X1 + P2X2 = M, P बजट रेखा की इक्वेशन होती है। लास्ट है बजट रेखा में शिफ्ट, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा समानांतरतायी ओर शिफ्ट हो जाती है, और उपभोक्ता की आय घट जाती है तो बजट रेखा समानांतर बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता पहले की तुलना में ज्यादा खरीद पाएगा तो उस वस्तु के तरफ की बजट रेखा दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बढ़ने की सिचुएशन में पहले की तुलना में कम खरीद पाएगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक होता है। कल कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड पार्ट अगला टॉपिक पढ़ लेंगे और कल ये पूरा हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टॉपिक हमारा कल कंप्लीट होगा। स्पेशली मैं वापस रिपीट कर दूं, हम थोड़ा बहुत हमारा टाइम पढ़ाई को जरूर दें, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि हम पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करें, अन्यथा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम पढ़ाई के लिए घुस जाएंगे उसमें, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा, तो प्रॉब्लम्स सभी को फेस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा टाइम हम सभी को देते हैं। थैंक यू।